आखिर एक शेर कैसे बना माँ दुर्गा की सवारी। हिंदू धर्म में हर देवी देवता का अपना एक महत्व है। हर दिन के हिसाब से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह से सभी देवी देवताओं की सवारी भी अलग अलग है और उसके पीछे कुछ कथाएं प्रचलित हैं। भगवान गणेश का सवारी मूसक तो कार्तिकेय का सवारी मोर है, तो वहीं माँ सरस्वती हंस की सवारी करती हैं। ठीक उसी प्रकार माँ दुर्गा शेर की सवारी करती हैं, इसीलिए उन्हें शेरावाली भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का सवारी शेर कैसे बना? तो आइए जानते हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। उस कठोर तपस्या के दौरान माता पार्वती का रंग सांवला हो गया था। एक दिन माता पार्वती और भगवान शिव हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया। भगवान शिव की ये बात देवी पार्वती को बुरी लग गई और वो कैलाश छोड़कर तपस्या करने चली गईं। इस दौरान एक भूखा शेर माता पार्वती को खाने की इच्छा से उनके पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती को तपस्या में लीन देखकर वह चुपचाप वहीं बैठ गया। शेर वहां बैठकर सोचने लगा कि जब माता पार्वती तपस्या से उठेंगी तो उन्हें वो अपना आहार बना लेगा। लेकिन इस दौरान कई वर्ष बीत गए, लेकिन वह शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें गौरवपूर्ण यानी गौरी होने का वरदान देते हैं। जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनकी तपस्या के दौरान एक शेर भूखे प्यासे उनके साथ बैठा रहा। तब उस शेर की तपस्या देखकर माता पार्वती ने उसे अपना वाहन बना लिया और इस तरह माँ दुर्गा का सवारी शेर बना। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में जय माँ शेरावाली जरूर लिखिएगा।